हेलो गाइस, आई एम विजय एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल विजय टेक्निकल। तो दोस्तों, यहां पर आप ढेर सारे कैमरे देख पा रहे होंगे, लेकिन बेस्ट कैमरा होता है अगर आप वीडियो शूट करना चाहते हैं तो कैनन का। जी हां दोस्तों, और साथ ही आज की वीडियो में जियोन का दोस्तों नया गिम्बल लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, पिछली बार मैं आपको लेकर आया था मोजा का गिम्बल, दोस्तों आज की वीडियो में जियोन का नया गिम्बल लेकर आया हूं। तो दोस्तों, इसको किस तरीके से असेंबल करते हैं वो मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली क्या है गाइस, जो आप लोग गिम्बल्स लेकर आते हैं तो आपको इसमें असेंबल किस तरीके से करने हैं वो सारे फीचर्स आपको मालूम नहीं होते। तो दोस्तों, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, कुछ इस तरीके से आपको ये गिम्बल आपके बैग में यहां पर मिल जाता होगा। और गिम्बल को आपको यहां पर सबसे पहले ये कि हैंडल होता है, आप अगर इसको हैंडल को लगाकर शूट करते हैं तो आपको बहुत ही सहूलियत होती है। सो गाइस, इस वजह से हमको इस हैंडल को यूज करना होता है। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप इस हैंडल को यूज नहीं करते हैं तो दोस्तों, अगर आप यहां से इसको पकड़ेंगे, यहां से कैरी करेंगे, तो ये बटन वगैरह भी ऑटोमेटिक प्रेस हो जाएंगे शूट करते टाइम। और दोस्तों यार, इसको एडजस्टेबल कैसे एडजस्ट करते हैं, इसमें कैमरा फंसाते कैसे, ये मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, आप सबसे पहले आपने एक काम कर लिया कि इस हैंडल को यहां पर लगा लिया। अब दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको अपने कैमरे को लगाना होगा। तो दोस्तों, कैमरे में यहां पर मैं कैनन का कैमरा यूज करने वाला हूं। सो गाइस, अब हमारे हाथ में आ चुका है ये कैनन का 200D कैमरा, और साथ ही इसमें जियोन के गिम्बल्स में इसको असेंबल जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक प्लेट्स मिल जाती है। ये जो प्लेट होती है, इस प्लेट को यहाँ पर आपको यहाँ पर एक स्क्रू दिया होता है। इस स्क्रू में आपको इसको कसना होता है, यानी कि टाइट करना होता है। ये टाइट आप क्वाइन से भी कर सकते हैं, या फिर आपको कोई एक पेचकस की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर आपने इसको इस स्क्रू को यहाँ पर पॉइंट मेजर पॉइंट करके आपने इसको मेजर करके यहाँ पर फंसा दिया, यानी टाइट कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, ये जो गिम्बल है आपका जियोन का गिम्बल है, ये कुछ इस तरीके से रहता है। इसमें बहुत सारे लॉक्स रहते हैं, जैसे कि मोजा के गिम्बल मैंने आपको बताया था, वहां पर भी इसी तरीके से इसमें भी गिम्बल्स में लॉक पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों, इसको हम असेंबल करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसको सबसे पहले हमको यहाँ पर पॉइंट्स लॉक करने होंगे, कुछ बेसिक पॉइंट लॉक करने होंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये पॉइंट लॉक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये स्टैंड रहता है, इस स्टैंड को यहाँ पर इस तरीके से नॉर्मल तरीके से खड़ा कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये गिम्बल इस तरीके से खड़ा हो गया। तो दोस्तों, इसको असेंबल करने के लिए हमको यहाँ पर ये एक एरो दिखाई देता है, और ये कुछ यहाँ पर स्क्रू दिखाई देते हैं। ये सब दोस्तों कसने के लिए, टाइट करने के लिए होते हैं। और ये प्लेट है, ये प्लेट भी हम इसमें लगाने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पर एक एरो दिखाई देगा, और इसके साथ ये जो प्लेट आती है इस कैमरे में, मतलब इस गिम्बल के साथ एक प्लेट आती है, ये प्लेट आपको कुछ इस तरीके से फिट कर लेना है। देन प्लेट में फिट करने के बाद, तो दोस्तों ये इस तरीके से आपको नॉर्मल तरीके से खड़ा कर लेना है इस गिम्बल को, क्या है कि ये मूवमेंट नहीं होगा। देन उसके बाद ये एरो यहाँ पर दिखाया गया है, तो एरो के साथ आपको इस वाले प्लेट को यहाँ पर अंदर करना है। प्लेट को अंदर करने के टाइम पर यहाँ पर एक टूल रहेगा, ये देखिए यहाँ पर दोस्तों, इस वाले टूल को आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ही ऑटोमेटिक ये डिस्प्ले, ये प्लेट होती है, अंदर चली जाएगी। देन इसको थोड़ा सा पीछे यहाँ पर हमको कुछ एक्सेस को लॉक करना होगा, ताकि ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अब दोस्तों, यहाँ पर ये प्लेट जो हमारी है लॉक हो चुकी है। अब हमको इसको थोड़ा सा पीछे मूवमेंट करना होगा कि यार थोड़ा प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट ना करे। दोस्तों, यहाँ पर इसको नॉर्मल तरीके से और नॉर्मल तरीके से ये एडजस्ट हो जाना चाहिए। देन इसके बाद आपको पावर ऑफ करनी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इस प्लेट को थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे ये आपको इस तरीके से इसको फंसा देना है, ये वाला आपको ये कैमरा, ये आगे पीछे प्लेट जो होती है, इस वाली प्लेट को एडजस्ट करके लॉक कर देना है। देन इसके बाद आपको ये प्लेट है, अब ये देखिए नॉर्मल तरीके से एडजस्ट करना है, थोड़ा सा बाहर करेंगे। अभी दोस्तों, ये प्रॉपर तरीके से फिक्स हो चुका है, अभी ये कैमरा ऑफ है। कैमरा ऑफ है अगर, तो आपको ये इस तरीके से खड़ा रहना चाहिए, इस तरीके से वर्क रहना चाहिए, बिल्कुल भी ऑफ तरीके में आपको ये अलग तरीके से मूवमेंट नहीं रहनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से ये आपका ये कैमरा है जो और गिम्बल है आपका एडजस्ट हो जाएगा। और अभी ऑफ है, ऑफ में इस तरीके से ये एडजस्ट होना चाहिए, तभी आप इसको ऑन कीजिएगा। अगर आप गलत तरीके से ऑन करते तो मोटर वगैरह भी ख़राब होने के प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये आपका ऑफ हो गया। आप ये सारी की पॉइंट्स को आप लॉक कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको अनलॉक कर देंगे। अब ये हमारा दोस्तों इस तरीके से ये गिम्बल है, ये प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट हो चुका है इसका। और अब दोस्तों, यहाँ पर मैं देख चुका हूँ कि ये सारे पॉइंट मैंने अनलॉक कर दिए, और अनलॉक करने के बाद ये प्रॉपर एडजस्टमेंट तरीके से खड़ा हुआ है। तो अब इसको आप नॉर्मल तरीके से और ऑन कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये पावर बटन है इसका, ये पावर बटन से अगर हम नॉर्मल तरीके से इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ पर ये जियोन का आपको यहाँ पर लोकेशन से होगा, इंडिकेशन से होगा, और ये देखिए ऑटोमेटिक एडजस्ट हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से वर्किंग हो चुका है। अब दोस्तों, आप इसमें रेडी हो चुके हैं सिनेमेटिक शॉट्स
लेने के लिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताया है कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हाउ टू एडजस्ट कैमरा विथ गिम्बल। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया कि किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं आप इसे गिम्बल को। और ये एक नया गिम्बल है, ज़ियून के गिम्बल है। दोस्तों इस गिम्बल के भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से मूवमेंट कर सकता है ये कैमरा। तो दोस्तों ये कैमरा और गिम्बल आप इस गिम्बल को जरूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत सारे इसमें फीचर्स वगैरह होते हैं। आप इसको एक बार मंगवाएंगे तो आप इसके फीचर्स को जान पाएंगे।